Hey guys, what's up? Kya chal? This is CN Nikunj Goinga, your tax mentor, and yes, yet another video for all my dear CMS students. Inka examination abhi December 2000.

तो पूरा वीडियो को लास्ट तक देखिएगा शेयर करना लाइक करना और सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर दो चैनल को सो so दैट आपके लिए जो कंटेंट मैं लेकर आता हूं आप तक तकली con बेसिस पे जो YouTube है वो आपको नोटिफिकेशन पहुंचाते रहे बिफोर आई स्टार्ट माई वीडियो लेट मी टेल यू की अभी चिल्ड्रंस डे का जबरदस्त डिस्काउंट ऑफर चल रहा है यू कैन जस्ट अप्लाई द कोड चाइल्ड एंड यूल गेट ट्वेंटी परसेंट डिस्काउंट टू अवेल दिस कोर्स ठीक है आपको ट्वेंटी परसेंट डिस्काउंट मिलेगा ऑन ऑल द कोर्सेज एंड दिस इज अ चिल्ड्रंस डे गिफ्ट फ्रॉम आवर साइड बिकॉज वी वॉन्ट यू टू लर्न एंड वी वॉन्ट यू टू लर्न इस तरीके से कि आपको ज्यादा बहुत ज्यादा कॉस्ट भी नहीं लगे और इकोनॉमिकल प्राइस में आपको अपना सारा कोर्सेज मिल जाए बहुत सारे स्टूडेंट्स है जो डिस्काउंट ऑफर्स का वेट करते हैं और अननेसरी अपने प्रिपेरेशन को डिले करते हैं मैं बिल्कुल भी इससे सख्त खिलाफ हूं तो प्लीज आप अभी ये लोएस्ट बेस्ट प्राइस है जिसमें आप ये ऑफर अवेल कर सकते हो चाइल्ड कूपन कोड है वो अवेल कर लेना ट्वेंटी परसेंट डिस्काउंट है जो कि आपको अपने चेकआउट पेज में जो है अपने वेबसाइट डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट निकुंज गोइंगा डॉट कॉम में अप्लाई करना पड़ेगा अब मैं फटाफट आता हूं रिविजन स्ट्रैटेजी में रिविजन स्ट्रैटेजी में गाइज लास्ट एक महीना भी नहीं अब अपने पास अब आपको डायरेक्ट टैक्स और आईडीटी का जो पेपर है दोनों को किस तरह से revision, revision करना चाहिए किस पॉइंट्स में आपको ध्यान देना चाहिए कौन कौन सा पे, अभी आप मत अब आपके पास समय बिल्कुल भी नहीं है दोस्त ठीक तो है, है जिससे एग्जामिनेशन में स्टूडेंट कंफ्यूज भी होते हैं में, में, में है, तो उसको आप सबसे पहले क्लियर करो छोटे छोटे छोड़ दो वो हो ही जाएगा आपका जैसे क्लबिंग है सेट ऑफ है कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेज है ये सब हो जाएगा रिटर्न ऑफ इनकम है पैन है आधार है ये सारा सारे के सारे चैप्टर्स जो है वो आपके इजीली कंप्लीट हो जाएंगे दोस्त एग्जामेशन भी इजीली कंप्लीट हो जाएगा लेकिन जो बड़े चैप्टर है ना वो जनरली बड़े के वजह से आप उसको उठाते नहीं हो जिसके वजह से एग्जामिनेशन में आपका अच्छा नंबर कटता है तो डी में आपको कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि मेरे हिसाब से आपको बिल्कुल अच्छे से करके जाना चाहिए पीजीबीपी पीजीबीपी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको बिल्कुल भी छोड़ के मत जाना मैंने रिविजन वीडियो पीजीबीपी का डाल दिया बैच में आप लोग जाके मेरा यूट्यूब चैनल में चेक लेना प्लेलिस्ट जो है मैंने विनर्स बैच का पूरा दिया और लिंक में भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा कैपिटल गेंस कैपिटल गेन्स में ये यहां से एक क्वेश्चन शॉर्ट शॉर्ट आपके एग्जामिनेशन में आएगा तो प्लीज आप इसको मिस मत करना कैपिटल गेन से भी क्वेश्चन आएगा पीजीबीपी जो कि टोटल इनकम के साथ जो बड़ा क्वेश्चन रहता है एकदम बड़ा नंबर का चौदह नंबर का या दस नंबर का केस में भी में भी सीएमएस एग्जामिनेशन किसी भी दस नंबर का भी आ सकता है जिसमें टोटल इनकम रहता है और टोटल इनकम में मेजर पार्ट पीजीबीपी का रहता है उसको आप अच्छे से कंप्लीट करके आना और पीजीबीपी बहुत सिग्निफिकेंट है वहां से इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे डिप्रीशिएशन क्लेम पूछ लेंगे डिसअलाउंसेस पूछ लेंगे पूछ लेंगे कुछ भी पूछ सकते हैं टीडीएस टीसीएस

अंडर चैप्टर सिक्स इंपोर्टेंट डिडक्शन में है, इसको भी बढ़िया से पढ़ के जाना में मत होना कि में क्या है में क्या -क्या क्या -क्या नहीं से पढ़ के जाना बी एडी में कंपनीज के लिए बी एडी और बी ए और बी ए में क्या क्या मिलता है क्या क्या नहीं मिलता है इसको भी अच्छे से पढ़ के जाना सबके लिए क्या क्या स्लैब रेट्स है एवरी थिंग शुड बी क्रिस्टल क्लियर बिकॉज एमसीक्यू में टैक्स रेट्स पूछा जा सकता है रेसिडेंशियल स्टेटस इंस्टीट्यूट का फेवरेट चैप्टर और सैलरी ये सबसे ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक बेटा इसको पहले कवर कर लेना और मैं जो बोल रहा हूँ गाइज मैं बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस बेस्ड ऑन ट्रेंड एनालिसिस बोल रहा हूँ हाउ एवर इंस्टीट्यूट एग्जामिनेशन में कुछ और भी दे सकता है ठीक है बट एनी आप सब जानते हैं प्रोफेशनल एग्जामिनेशन है बट एक आइडिया लग जाता है कि यहाँ से क्वेश्चन जनरली पूछ लेना चाहिए ठीक है तो डायरेक्ट टैक्स में ये इंपॉर्टेंट जो छह सात चैप्टर मैंने नाम दिया इस पर बहुत एक्स्ट्रा फोकस करी अभी इसको सबसे पहले कंप्लीट करके रिविजन करके एकदम एकदम स्ट्रॉन्ग कर लीजिए कि मैं एकदम क्लियर क्रिस्टल कह रूं अपने स्टडी मटेरियल से अब आप आईडी में कौन कौन से चैप्टर पे फोकस करना ये सारे चैप्टर्स पे फोकस करना एग्जामिशन को रट रटना नहीं है खाली रीड करो ओनली रीड दिस चैप्टर एक्सामिशन आपका चुटकी में हो जाएगा डोंट वरी एट ऑल सप्लाई चैप्टर शेड्यूल वन शेड्यूल टू शेड्यूल थ्री बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पोजिटी सप्लाई मिक्स सप्लाई यहां से क्वेश्चन आने की पूरी चांसेस है रजिस्ट्रेशन में प्रोसीजर से भी पूछ सकते हैं लाइबिलिटी नॉट लाइबिलिटी से भी पूछ सकते हैं कॉम्पोजिशन की बहुत सिंपल है बट आता है एग्जामिनेशन में प्लेस ऑफ सप्लाई से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या लोकेशन है क्या डिटरमाइन आपको करना है? वो आप को पूछना पूछा जाएगा तो उसको भी अब अच्छे से पढ़ के जाना इनपुट टैक्स क्रेडिट रिपीट इनपुट टैक्स क्रेडिट जो आप

तो आप लिखने के लिए जाते हो तो आपको वर्किंग नोट्स बनाना पड़ेगा उसका हैबिट होना चाहिए तो अभी इस टाइम ये टाइम आ गया है वेरी राइटिंग राइटिंग कैसे करेंगे कोई भी क्वेश्चन उठाइए लिखिए विदाउट सी लिखिए आप लिख पा रहे हो कि नहीं लिख पा रहे हो कैसे लिख पा रहे हो आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? ग्रामेटिकल मिस्टेक्स के साथ आप कोई प्रोविजन में मिक्स कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो आप कहीं सेंटेंस फ्रेमिंग में आपका प्रॉब्लम हो सकता है कि आप सेंटेंस फ्रेम नहीं कर पा रहे हो आपके माइंड में सब कुछ है बट आप उसको कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हो प्रॉपर सेंटेंसेस में तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है राइटिंग प्रैक्टिस तो राइटिंग प्रैक्टिस अच्छे से करके जाना नहीं तो जिनके पास नहीं है कोई बात नहींट्यूट के वेबसाइट में सजेटेड आंसर में जाना एम टीपी में जाना वहां पे आपको सब कुछ मिल जाएगा कोई दिक्कत नहीं है ठीक है सब अपलोडेड है राइटिंग करना है बेटा इंपॉर्टेंट क्या राइटिंग करना है खाली देख के नहीं जाना है आपको सॉल्व करना है अभी इंपॉर्टेंट है एग्जीक्यूट करना बहुत हो गया क्लासेस देखना रिवीजन करना भी एक एंड बहुत हो गया अभी आपका लास्ट स्टेजेस चल रहा होगा रिवीजन का तो यहां पे आपको सॉल्व करना है जितना ज्यादा आप सॉल्व करेंगे टैक्सेशन में उतना ज्यादा ईजी होगा इससे आप क्या सीखने वाले हो मैं बता रहा हूं टाइम मैनेजमेंट क्या होता है तीन घंटे का पेपर हम लोग सोचते हैं कर ले कवर कर लेंगे तीन घंटे में लेकिन आप वो तीन घंटे के पेपर में को हंड्रेड मार्क्स में कवर कवर नहीं कर पाते हैं आपका एट्टी होता है सेवेंटी फाइव होता है तो बैलेंस ऑफ टेन ट्वेंटी बचता है वो आपसे मिस आउट हो जाता है तो वो मैं चाहता हूँ मिस आउट ना हो स्ट्रेस मैनेजमेंट इफ पेपर इज डिफिकल्ट बहुत सारे बच्चों का गाइस लास्ट टाइम में पता ही है सबको कॉस ग्रुप टू इतना डिफिकल्ट पेपर आया था मैनेज नहीं कर पाए एक्सपेक्ट नहीं कर पाए स्ट्रेस नहीं ले पाए और कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन में पंद्रह बीस नंबर आए जिसे ग्रुप टू फेल हो गए इस बार मान के जाना कि पेपर डिफिकल्ट आएगा स्ट्रेस को मैनेज कैसे करना है वो तभी होगा जब आप राइटिंग प्रैक्टिस करोगे जितना ज्यादा अपने आप को एक्सपोज कर दोगे कि मैं जितना लिखू, जितना लिखू रगड़ डालो रगड़ डालो हाथ को तब जाके आपका होगा वरना नहीं होने वाला मैं बता दे रहा हूं मैं आपसे एकदम टू दी पॉइंट फ्रैंक बात कर रहा हूं आपको इधर उधर नहीं कर रहा हूं कि कर लेगा कर लेगा फॉल्स प्रोमिस आपको नहीं दे रहा हूं डोंट चेंज द रिविजन टाइम गाइस क्या होता है ना अभी आप जिस टाइम में रिवाइज करते हो जैसे एक तो शेड्यूल बना लो एक शेड्यूल बना लो कि मे को वीक मे को हर दिन सुबह दो घंटा दोपहर को या शाम को या रात को वट एवर टाइम फिक्स डैक्स के लिए फिक्स कर लो डी और आई जो बच्चे न्यू सिलेबस में आपको डी टी दोनों में इक्वल टाइम देना चाहिए मेरे हिसाब से आईडी ज्यादा ईजी है तो आप कम टाइम दे सकते हो मे बी अगर आप दो घंटा सोचे हो तो थर्टी मिनट्स आई में दे दो वन पॉइंट फाइव डी टी में दे दो बट दोनों को सिंक में लेके चलो दोनों को सिंक में लेके चलो क्योंकि पेपर भी दोनों साथ में देना है ओल्ड सिलेबस वाले बच्चों का बात अलग है कि डीटी अलग है आईडीटी अलग है सौ सौ नंबर का पेपर अलग है उनका बात अलग है लेकिन सर जो न्यू सिलेबस में आपको दोनों साथ में लेके चलना है ठीक है ना मैं बता रहा हूँ जो न्यू सिलेबस में दोनों साथ में लेके चलना है पेपर इज डिफिकल्ट स्ट्रेस मैनेजमेंट करना इज इंपॉर्टेंट तो उसके लिए आपको पहले से ही थोड़े से क्या करना पड़ेगा आपको इसके लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा मेंटली और उसके लिए आपको राइटिंग प्रैक्टिस बहुत जबरदस्त करना पड़ेगा और जो मैंने आपको बहुत बहुत बार बता दी है फोर्टी सिक्सटी रूल की पहला सिक्सटी मिनट्स में आपको चालीस नंबर सिक्योर करना है और डिफिकल्टी है मैं बताऊंगा अगर आप कोई भी पेपर देख लो डिफिकल्ट से डिफिकल्ट पेपर देख लो चालीस नंबर उठाना भाई डिफिकल्ट नहीं है मैं बता रहा हूं उसके लिए सेंस चाहिए ब्रेन चाहिए एग्जीक्यूट करना पड़ेगा और स्ट्रेस लेवल नहीं होना चाहिए जीरो परसेंट स्ट्रेस होना चाहिए तब जाके आपका ब्रेन काम करेगा और आपका ब्रेन काम करेगा तब जाके आप चालीस नंबर उठा पाएंगे गाइस डिफिकल्ट से डिफिकल्ट पेपर में भी आप चालीस नंबर कैसे उठा सकते हैं ये मैं आपको बता रहा हूँ

मैं जस्ट ये वीक खत्म हो जाता है नेक्स्ट वीक यानी कि ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ये चार दिन आपका भयंकर होने वाला है लाइन से आपके लिए मैराथन्स आने वाला है तो आप प्लीज़ ये मैराथन्स को देखना यूटिलाइज करना बहुत मज़ेदार होने वाला है सारे मैराथन्स और आपके लिए मैं लेकर आ रहा हूँ ये एवरी डे एंड ट्वेंटी ऑनवर्ड्स हम लोग अपना लेकर आएंगे मॉक एग्जाम जो बच्चे प्रिपेयर करना चाहते हैं मेरे साथ मतलब एग्जाम देना चाहते हैं तो जरूर दीजिएगा मॉक एग्जाम बहुत काम का एग्जाम है डीटी का भी होगा आईडीटी का भी होगा इंटर फाइनल सबके लिए होगा तो 24 तारीख से मॉक एग्जाम है और चार दिन में मैं आपका पूरा का पूरा जो है मैराथन इंटर एंड फाइनल का सब ले लूंगा डीटी का मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ आईडीटी का भी रिविजन वीडियोज आप देख सकते हैं फिर से मैक्स कंसोलिडेटेड वन डे मैराथन लो पूरा एक दिन में आपका जबरदस्त तरीके से हम लोग रिवाइज करने वाले हैं सारे के सारे चैप्टर्स ठीक है ना गाइस तो स्टेट ट्यून फॉर फर्दर अपडेट्स टेक केयर गॉड ब्लेस यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशनस एंड प्रिपरेशंस हैप्पी चिल्ड्रन डे एंड हैप्पी भाईदूज टू ऑल ऑफ यू गाइस टेक केयर और जबरदस्त तरीके से पढ़ाई करी इतना अच्छे से पढ़ाई करी कि कोई आपको देख के जले कोई आपको देख के जले कि यार इतना अच्छा पढ़ाई कर रहे मैं काश करता तो मैं भी आज कई अलग पोजीशन में होता तो टेक केयर गाइस गॉड ब्लेस यू एंड हाँ जाते जाते याद दिला देता हूँ चाइल्ड कूपन कोड अप्लाई करना ना भूलना टोअेल ट्वेंटी डिस्काउंट इतना बड़ा डिस्काउंट कभी हम देते नहीं है इन चिल्ड्रेस डे आप लोग के लिए कुछ भी बेटा बाय टेक केयर गॉड ब्लेस यू